की विशेष अदालत के फैसले का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। फैसले का स्वागत कर रहे सबसे पहले क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने, जहां पर कसाब को कड़ी सजा मिलने की उन्होंने उम्मीद जताई। वहीं सबाउद्दीन और फहीम अंसारी को बरी करने के इस फैसले पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल ने कहा कि उन पर लगे आरोपों की और छानबीन कराई जाएगी। फहीम की पत्नी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आखिरकार उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है। बिजेंद्र बिष्ट इस फैसले से काफी खुश दिखाई दिए। बीजेपी की इस पर क्या रणनीति रही है, क्या कोई समर्थन लेगी जेएमएम से, ये बड़ी बात है। लेकिन रांची की गद्दी पर गुरुजी बने रहेंगे या फिर नहीं, या दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल है, ये हम बातचीत करें। तो महाराष्ट्र दिवस के मौके पर शिवसेना और एमएनएस के बीच में होड़ साफ देखने को मिल रही है। शिवसेना अपने फंक्शन में लता मंगेशकर को शामिल करने में कामयाब रही, तो एक लंबे अरसे के सियासी संकट जारी है क्योंकि शिबू सोरेन यानी कि गुरुजी के घर पर अभी भी बैठक है और ये जो संकट है गहराता है, जिसमें शांति के लिए बातचीत के राह पर चलने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में सार्क सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की। तो इतनी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आईपीएल के मामले में एक के